हॉवर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च स्कॉलर रिचर्ड एल्पर्ट अपने ग्रेजुएशन के प्रोजेक्ट को पूरा करने 1967 में इंडिया आते हैं और उस प्रोजेक्ट का नाम था LSD। ये एक ऐसा इलीगल ड्रग है जिसका एक माइक्रोग्राम का डोज आपके सोचने समझने की शक्ति को थोड़े टाइम के लिए बंद कर सकता है, और वो उसको इंडिया में अलग अलग लोगों पे यूज करके उसका इफेक्ट देखना चाहते थे। फिर इस ड्रग को लेकर रिचर्ड एल्पर्ट पहुंचते हैं कैंची धाम। यहाँ पे ये मिलते हैं नीम करोली बाबा से, और रिचर्ड एल्पर्ट ये टेस्ट उन पे भी करना चाहते थे। उन्होंने 305 माइक्रोग्राम का एक टैबलेट बाबा जी को दिया। नीम करोली बाबा जी ने बोला, तेरे पास जितना भी है तू सब मेरे को दे दे। उन्होंने सारे टैबलेट्स एक बार में निगल लिए। फिर उसके बाद कुछ ऐसा देखने को मिला कि रिचर्ड एल्पर्ट वापस US जाके अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री को घर पे रख के इंडिया आके बन गए बाबा रामदास।